अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी मुर्गियों के ऊपर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ठंड का सीज़न चल रहा है अभी फ़िलहाल कराची में, उसके बावजूद भी माशाल्लाह से कितनी हेल्थी हैं, कितनी एक्टिव हैं। रखा हुआ मैंने इनको और कैसे केयर की जा रही है वो सब तो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि इन्हें दाने में क्या देना चाहिए और विटामिन्स वगैरह वो सब आपके साथ भी शेयर करा था। तो मैंने सोचा आपके साथ जो है दोबारा से वीडियो एक शेयर की जाए। जो मैंने इसके अंदर मज़ीद अपने नए चूज़े छोड़े थे, जो मुर्गियाँ हो गई थी तैयार, तो पहले लड़ाई वगैरह भी बहुत हो रही थी, तो अब ये एक एडजस्टमेंट हो गई है। अब वो मुर्गियाँ भी सेट हो गई हैं, अंडे वगैरह दे रही हैं माशाल्लाह से, तमाम मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने चार मुर्गे छोड़े हैं इस सेटअप के अंदर, और माशाल्लाह से चार मुर्गे मैंने छोड़े हैं इसके अंदर, और आप ये देखें कि लड़ाई वगैरह भी नहीं हो रही इतनी, देख सकते हैं माशाल्लाह से मुर्गे नहीं लड़ रहे आपस में, क्योंकि उसे भी छोड़ने का एक तरीक़ेकार होता है। तो ये एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, मुर्गियाँ थोड़ी सी लड़ती रहती हैं आपस में, लेकिन मुर्गे वगैरह इतने लड़ते नहीं हैं। और इसमें एक मुर्गा जो है ये जो मुर्गा घूम रहा है ये कुछ ज़्यादा ही जो है लड़ने की कोशिश करता है, देख सकते हैं आप, ये लड़ने की ज़्यादा ही कोशिश करता है। इसके अलावा बाकी जो तीन मुर्गे हैं वो ओके हैं। इस मुर्गे का जो बिल्कुल फर्स्ट सेटअप में जो इसके साथ एक मुर्गा था वो ये बैठा हुआ है माशाल्लाह से। हाइट चेक करें आप, इसकी साइज़ चेक करें। अभी इसके जो है नाखून जो होते हैं पंजों के नाखून वो भी आप देखें पूरे नहीं आए अभी तक, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हाइट दोनों मुर्गों की बड़ी बेहतरीन और अच्छी हाइट हो चुकी है। अच्छा, इसी के साथ जो दो मुर्गे मज़ीद छोड़े थे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इस मुर्गे की टेल चेक करें, ये मुर्गा रेडी हो रहा है इसी के अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये मुर्गा रेडी हो रहा है। पर मुर्गियां थोड़ी सी लड़ती हैं, बाकी आप चेक करें ये मुर्गे को माशाल्लाह से कैसा साइज़, ये भी सेम टू सेम मुझे ज़्यादा चेक कर रहा है। ये मुर्गा भी इस वाले मुर्गे की तरह बनेगा, और इसी में एक ब्लैक कलर का मुर्गा घूम रहा है, आप देख सकते हैं इसकी टेल जो है वो निकली हुई है, क्योंकि इसे मारा है थोड़ा सा मुर्गियों ने स्टार्टिंग में, अब वो एडजस्टमेंट हो गई है इसकी। ये मुर्गा एक देख सकते हैं, ये भी एक मुर्गा इसमें घूम रहा है। ये दोनों मुर्गे साथ में रह रहे थे दूसरे वाले केज में जहाँ पे मैंने इन्हें पहले रखा हुआ था। एक ये मुर्गा है जो ब्लैक कलर में, और एक ये मुर्गा, ये दोनों भी इतना आपस में लड़ते नहीं हैं, और उन दोनों को जब मैंने इसके अंदर एडजस्टमेंट करी तो यहाँ भी लड़ाई वगैरह नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह से इनकी थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह भी करी है मैंने, आप देख रहे होंगे ये ऊपर स्टीके लगाई हुई, पहले मैंने ऊपर पेटियां लगाई हुई थी अंडों के लिए, तो बार बार वो पेटियां डिस्टर्ब हो रही थी, मुर्गियां आगे बैठती थी और ये कि वो प्रॉपर सेफ नहीं थी वहाँ पे। तो उसके बाद जो है मैंने नीचे सेटिंग बनाई है, नीचे मैंने मुर्गियों की पेटियाँ लगाई हैं जिसमें ये एग ले करती हैं, और उसके अलावा जो है स्टिक ऊपर लगा दिए हैं जिस पे रात को सब ऊपर बैठ जाती हैं। स्टिक बहुत ज़रूरी है कि ये फ़र्श पे नहीं बैठ सकती, और ना ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़र्श पे बैठे, क्योंकि फ़र्श जो है नीचे बहुत ठंडा रहता है, तो इसलिए लाजमी स्टिक वगैरह इसलिए होती है कि परिंदा जो है वो ऊपर जाके बैठे। स्टिक भी लकड़ी की होनी चाहिए ताकि वो सर्दियों में ज़्यादा ठंडी ना हो, तो ठंड से बचाने के लिए। और कुछ व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि इतनी मतलब क्लीनिंग क्यों नहीं है, क्लीनिंग इसलिए इतनी नहीं रखी हुई कि नीचे अगर थोड़ा सा इनका जैसे कि कचरा रहेगा तो उससे भी थोड़ा सा जो है
गर्माइश रहेगी नीचे फर्श में। ज़रूरी नहीं हम इसे पूरा साफ़ करके रखें, थोड़ा थोड़ा सा क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है हर वीकली में एक मरतबा, बस वो क्लीनिंग होती रहती है। इस तरह से माशाल्लाह से मुर्गियाँ भी ज़्यादा हैं, केज भी बड़ा है माशाल्लाह से। अब सोचा हुआ है और वैरायटी की तरफ जाने का, जैसे कि असील वैरायटी हो गई या फैंसी वैरायटी हो गई, वो भी लाएंगे इंशाल्लाह, उसकी सेटिंग भी करेंगे। और भी बहुत कुछ सोचा हुआ है इंशाल्लाह, मज़ीद नई वीडियोज़ में नई नई चीज़ें आती रहेंगी। और आप सोच रहे होंगे इसमें पर वगैरह क्यों खाए मैं, जैसे कि मुर्गे के साइड के पर जो है वो आप पूछेंगे मुझसे कमेंट में। तो इसका ये है कि एक दो मुर्गियाँ हैं इसमें जो पर नोच रही हैं, एक दो मुर्गियाँ ऐसी हैं जो पर नोच नोच के खाती रहती हैं, तो उसके ऊपर भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जब उसका फुल मेरे सामने रिज़ल्ट आ जाएगा फुल अच्छे से, तो उसी के बाद ही मैं जो है एक वीडियो अपलोड करूँगा उसके ऊपर, आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं खुद तजुर्बा करूँ अच्छे से, मुतमईन हो जाऊँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँ आपके लिए, आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं ऐसे नहीं बनाता कोई भी वीडियो जो आप भी इस्तेमाल करें वो फार्मूलास और वो रिज़ल्ट ना दे, तो ऐसा काम मैं करता नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं खुद अपने हाथ से तजुर्बा कर लूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा ये सेटअप जो है मुर्गियों का छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से एक और है जो मुर्गी छोटी है जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ा था, जिनको इन्होंने थोड़ा सा ज़ख्मी वगैरह कर दिया था, उसको भी साइड पे रख के उसका ट्रीटमेंट करा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एंड में वीडियो ख़त्म करने से पहले। ये देख सकते हैं वाइट कलर की मुर्गी, अब माशाल्लाह से इसके जो है फेदर्स उन्होंने नोच लिया था, जो देख सकते हैं काफ़ी हद तक आ चुके हैं, दुम भी तकरीबन नोच ली थी वो भी स्टार्ट हो गई है। अब ये मुर्गी यहीं पे, इसको यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, मुर्गी है देख सकते हैं वाइट कलर की है और फेस जो इसका लाइट ब्राउन कलर का, इसको अभी फ़िलहाल यहीं पे रखा हुआ है, एक दो महीने तक यहीं रखेंगे जब तक फुल नहीं हो जाती, जब फुल हो जाएगी फिर इसे वहाँ डालेंगे, क्योंकि ये अभी भी छोटी है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं अंदर अंदरूनी, जैसे कुछ कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से टाइम लगा रही है ग्रोथ करने में, और इसलिए मैंने इसे सेपरेट रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। फिर इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।